भगवान भागवत का बयान आ गया कि ये जाति तो पंडितों ने बना दी। एकदम उनका बयान सही है, हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। उस समय जैसे कहा जाता है आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है, कहीं ना कहीं ये सत्यता भी है जो मोहन भागवत ने कहा है। मोहन भागवत जी को बहुत पहले समझ में आ जाना चाहिए था, ये कहीं ना कहीं जन जागरूकता और शिक्षा की ही देन है कि मोहन भागवत जैसे बड़े व्यक्ति को भी इस बात पर कहने पर विवश होना पड़ा। मैं इसका श्रेय अगर देता हूं तो माननीय ओमप्रकाश राजभर जी को देता हूं कि माननीय ओमप्रकाश राजभर जी ने लगातार मेहनत करके जो एक बार में ही जातियों का नाम गिनाते हैं, कहीं ना कहीं ये जातियों को उजागर करना नेताजी का जो एक ट्रेंड है, इससे मोहन भागवत जी भी थोड़ा सा हताश हुए हैं कि वो जातियां जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए हैं, जो सामाजिक शैक्षणिक राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे वही स्थिति रही है। इसलिए वो कह रहे हैं, मैं इसका समर्थन भी करता हूं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण जो है अपने सिर पे टोकरी रख के उसमें जाति ले लो जाति ले लो, कब से किस काल से ये बात कहते आया होगा? ऐसा नहीं है, मैंने क्या कहा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण भी अगर एक जाति है तो अपने जैसे जाति रखा ना, राजभर एक जाति है तो बताए ना कि राजभर जाति है। अगर उस समय 1952 से ही इस चीज को समाप्त करने का प्रयास किया गया होता और 1952 से ही उत्तर प्रदेश और देश में रहने वाली जितने भी वर्ग के लोग हैं या इंसान रहता है, अगर उसकी सामाजिक शैक्षणिक राजनीतिक और आर्थिक डेवलपमेंट किया गया होता तो आज जातिवार युद्ध नहीं होता, जाति जाति का संघर्ष नहीं होता, वर्ग संघर्ष नहीं होता। कहीं न कहीं ये मेरा जो मानना है, मोहन भागवत जी जिस एक व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी कर रहे हैं, मेरा मानना है हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इस पर बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये जाति पर नहीं बल्कि व्यवस्था ने इस चीज को ऐसा कर दिया कि जो गरीब हो गया उसको जाति से संबोधित करना पड़ गया, जो अमीर हो गया उसको बिजनेसमैन में ला दिया गया, जो पूजा पाठ करने लगा उसको ब्राह्मण का दर्जा दे दिया गया। उसकी जाति ब्राह्मण में कई जातियां हैं, ठाकुर में कई जातियां हैं, हम राजभर हैं हमारे में 7 उपजातियां हैं, लेकिन उसकी तो चर्चा नहीं होती। उनकी सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसीलिए